आज हम बना रहे हैं दानेदार बेसन के लड्डू। अगर बेसन को सही तरीके से भूना जाए, लो फ्लेम पर घी और चीनी की मात्रा सही तरीके से डाली जाए तो लड्डू खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। तो चलिए टेस्टी टेस्टी लड्डुओं को बनाना शुरू करते हैं। बेसन के लड्डू में डालने के लिए मैंने ये खरबूजे के बीज और 6-7 काजू महीन महीन काट लिए हैं। इनको हम रोस्ट कर लेंगे। आप और भी अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स यूज कर सकते हैं बेसन के लड्डू में। ये मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच घी डाल दिया है। घी गर्म हो गया है, हम इसमें काजू डाल देंगे। काजू में कलर आ गया है, अब हम इन्हें बर्तन में निकाल लेंगे। अब इसी घी में हम खरबूजे के बीज डाल देंगे। खरबूजे के बीज भी भुन गए हैं, अब मैंने निकाल लेंगे। बेसन के लड्डू बनाने के लिए मैंने ये 250 ग्राम बेसन लिया है। ये मैंने 2 कटोरी में कर लिया है और ये 150 ग्राम घी लिया है। इसे हम कढ़ाई में डाल देंगे। घी को हम पूरा नहीं डालेंगे, घी को अच्छे से गर्म होने देंगे। बेसन को कभी भी ठंडे घी में बिल्कुल नहीं डालें। घी अच्छे से गर्म हो जाए तब बेसन डालें। घी गर्म हो गया है, अब इसमें हम बेसन ऐड कर देंगे। फ्लेम हम लो रखेंगे, इसको लगातार चलाते हुए बेसन को भूनेंगे। अभी इसमें घी कम लग रहा है, जैसे जैसे बेसन भुनता जाएगा घी रिलीज होता जाएगा। अगर घी कम लगेगा तो मैंने थोड़ा सा घी बचा लिया है, उसे भी हम ऐड कर देंगे। ये जो मैंने घी बचा लिया था उसे भी हम डाल देंगे। यानी 250 ग्राम बेसन में 150 ग्राम घी आराम से लग जाता है। ये देखिए जैसे जैसे बेसन भुन रहा है हल्का सा गीला गीला होने लगा है। अभी इसको भुनते हुए 3 से 4 मिनट हुए हैं। पूरा बेसन भूनने में लगभग 8 से 9 मिनट लग जाएंगे। ये देखिए बेसन भुनने ही वाला है, बस थोड़ा सा समय और लगेगा। मेरे किचन में बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। बेसन को भूनने में लगभग 9 मिनट हो चुके हैं, थोड़ा सा समय और लगेगा। अब इसमें हम थोड़ी से पानी के छींटे लगा देंगे जिससे ये बेसन थोड़ा सा दानेदार हो जाए। बेसन हमें इतनी देर और भूनना है, जो मैंने पानी डाला है बस वो जल जाए। बेसन में गोल्डन कलर भी आ गया है,
बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। बेसन पूरी तरह से भुन गया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और बेसन को एक बर्तन में निकाल कर पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे। और बेसन को हम पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे। बेसन ठंडा हो गया है, अब इसमें हम ये चीनी मिला देंगे। ये मैंने दर्रा चीनी ली है, 150 ग्राम चीनी ली है। मैंने इसमें 250 ग्राम बेसन लिया था, 150 ग्राम घी लिया था, 150 ग्राम चीनी है, इसे भी हम ऐड कर देंगे। और इसमें इलायची पाउडर ऐड कर देंगे। और ये मैंने खरबूजे के बीज भुने थे और काजू, इनको भी मिक्स कर देंगे। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इन्हें लड्डू का आकार दे देंगे। लड्डू का एक जैसा आकार बने उसके लिए हम एक कटोरी में ये भरकर इस तरह से ऐसे लड्डू बनाएंगे। ऐसे एक जैसे लड्डू बनेंगे, बराबर बराबर, ना कोई छोटा होगा ना कोई बड़ा होगा। ये देखिए इस तरह से हम सारे लड्डू बना लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे दानेदार लड्डू बने हैं, कलर भी बहुत अच्छा आया है। हम इसी तरह से सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। बिल्कुल हलवाई जैसे लड्डू तैयार हुए हैं। जब भी आपका मीठा खाने का मन करे, इन लड्डू को बनाकर आप एंजॉय कर सकते हैं। और आप इन लड्डुओं को किसी भी फेस्टिवल पर भी बनाकर खा सकते हैं। ये लड्डू बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बनकर तैयार हुए हैं। बूरा चीनी डालने से लड्डू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, दानेदार बनते हैं। मैंने लड्डू बना लिए, लड्डू और सुंदर दिखें इसके लिए हम ये पिस्ता के छोटे छोटे पीस काट लिए हैं। इनसे हम डेकोरेट कर देंगे लड्डुओं को। बेसन के यम्मी यम्मी लड्डू तैयार हैं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। इन लड्डुओं को बनाने में 30 मिनट लगते हैं। इन लड्डुओं को किसी भी फेस्टिवल पर बना सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को मेरे लड्डू की रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।